डियर स्टूडेंट्स, ARMS की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं अशोक कुमार सैनी, आपका बायोलॉजी टीचर, आपके सामने आज 11वीं क्लास का एक टॉपिक लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। तो क्लास 11 बायोलॉजी, ठीक है। तो अपन आज देखेंगे मनुष्य का अध्यावरणी तंत्र। अध्यावरणी तंत्र का मतलब होता है अपनी स्किन, ठीक है ना। तो अपन देखेंगे स्किन के बारे में, मानव का अध्यावरणी तंत्र, ठीक है। मानव का अध्यावरणी तंत्र यानी स्किन। स्किन जो होती है अपनी, वो देखो स्किन पर क्या क्या पाए जाते हैं अपने। एक तो पूरे शरीर को ढककर रखती है स्किन, कहीं से भी अपना ऐसा नहीं है कि आंटी ढकी भी नहीं हो, पूरी स्किन अपनी पूरी खोपड़ी आंखें को भी इधर चारों ओर से ढककर रखती है। ठीक, जो छिद्र हैं वो तो हैं, बाकी स्किन जो है वो क्या करती है, ढककर रखती है, ठीक है ना। तो स्किन पर क्या क्या पाए जाते हैं, देखो त्वचा पर बाल, नाखून पाए जाते हैं ना, नाखून भी, बाल, नाखून, श्वेत ग्रंथियां। श्वेत ग्रंथियों का मतलब होता है पसीना ग्रंथि, अपने शरीर पर पसीना ग्रंथि पाई जाती है त्वचा पर, ठीक है ना, पसीना ग्रंथि। और जो अपने हैं तेलीय ग्रंथि, तेलीय ग्रंथि, ठीक है, यानी अपनी शरीर की जो त्वचा होती है उस पर चिकना बनाए रखने के लिए तेल ग्रंथियां भी होती है। अपने जैसे हाथ है, इसको ऐसे बंद करके रखो आप और फिर ऐसे करो तो इस पर तेल सा आ जाता है। कहां से आता है वो तेल? वो तेल आता है तेल ग्रंथियों से, ठीक है ना, तेल ग्रंथियों से वो तेल आता है अपने। अब अगर अपन बात करें त्वचा को, अपन हर फन मोला अंग कहते हैं, त्वचा बहुत सारे काम करती है, इसलिए इसको अपन क्या कहते हैं, हर फन मोला अंग कहते हैं, हर फन मोला अंग भी इसको कहा जाता है। और ये जो है बहुत सारे काम भी करती है, जैसे अपने पूरे शरीर को एक तो ढक के रखती है, ठीक है, एक इसमें कीटाणु नहीं घुसने देती है, त्वचा से सीधा कीटाणु अंदर नहीं जा सकता है, चाहे वो नाक के ऊपर जाए चाहे मुंह के ऊपर जाए तब तो जा सकता है, लेकिन सीधा अपने अंदर नहीं जा सकता, ठीक है। तो ये अपना ये काम करती है, साथ ही साथ में अपनी जो त्वचा है उसके द्वारा, जैसे अपन गर्मियों में अपन देखते हैं कि गर्मी ज़्यादा हो गई, पंखा नहीं है, लाइट नहीं है, तो उस समय या अपन काम कर रहे हैं उस समय अपने त्वचा के ऊपर बहुत सारा पसीना आ जाता है, और पसीना आकर के जब वो पसीना उड़ता है या वो पसीना सूखता है तो उष्मा ले जाता है अपने साथ, उष्मा ले जा करके क्या करता है शरीर को, हाँ ठंडा कर देता है शरीर को, क्या कर देता है वो, ठंडा कर देता है पसीना, शरीर को कैसा कर देता है, ठंडा, है ना। पहले पहले अपने जो ये जो स्किन है इसके ऊपर जो तेल वो जो अपने श्वेत ग्रंथियां हैं वो श्वेत ग्रंथियां पहले तो उड़ेंगी, मतलब पहले तो वो पसीना निकालेगी, और पसीना जब ये त्वचा गीली हो जाएगी अपनी तो फिर वो उड़ेगा, उड़ेगा तो क्या देके जाएगा अपने को, ठंडक देके जाएगा। जैसे अपन बाहर से आते हैं और पंखे के नीचे बैठते हैं तो फिर अपना क्या है, पसीना उड़ता है, पसीना सूखता है, और पसीने के सूखने के साथ ही अपन को कैसी महसूस होती है, ठंड महसूस होती है। तो इस तरह से अपन देखते हैं कि त्वचा ये भी काम करती है, और त्वचा क्या काम करती है, ज्ञानेंद्रियों का काम भी करती है। देखिए त्वचा ताप नियंत्रण, ठीक है ना, ताप नियंत्रण का काम करती है, और क्या करती है, ज्ञानेंद्रियों का काम भी त्वचा करती है। ज्ञानेंद्रियों का मतलब अपने को बाहरी वातावरण से अवगत कराती है, यानी यानी
त्वचा के द्वारा ही अपन को पता चलता है कि गर्मी पड़ रही है या सर्दी पड़ रही है। सर्दियों में त्वचा ऐसे दूजती है और दूजने के कारण उसमें गर्मी पैदा होती है और वो गर्मी अपने शरीर के काम आती है, ठीक है ना। गर्मियों में बात करें तो पसीना आता है और सूख करके ठंड लगती है, और इस तरह से अपन देखते हैं कि ये ज्ञानेंद्रियों का काम भी करती है। कोई छूता है अपन को पता चल जाता है, छूते ही पता चल जाता है। जैसे कोई ठंडा लगा या गर्म लगा उसका पता भी अपन को इस ज्ञानेंद्रिय के द्वारा चलता है। ज्ञानेंद्रिय क्या होती है? अपना नाक ज्ञानेंद्रिय है। क्या करता है नाक? क्या काम करता है? सांस लेने में और सूंघने में। नाक ज्ञानेंद्रिय है ना, सुगंध इससे मिलती है अपन को। मुंह के अंदर जीभ ज्ञानेंद्रिय है, क्या क्या मिलता है? स्वाद। नाक ये कान भी ज्ञानेंद्रिय है, सुनने से संबंधित है। आंख भी ज्ञानेंद्रिय है, देखने। और ये अपनी त्वचा भी ज्ञानेंद्रिय है। पूरे शरीर में जितने भी पार्ट्स हैं अपने वो सब क्या है? ज्ञानेंद्रिय। ज्ञानेंद्रियों का हो गया। अब देखिए इसमें ज्ञानेंद्रिय और ये जो है देह भित्ति का भी निर्माण बनाती है। देह भित्ति यानी पूरे शरीर को घेरे रखती है, देह भित्ति भी ये बनाती है, ठीक है, देह भित्ति भी बनाती है। अब अपन ने देखा कि मानव का जो अध्यारोपण तंत्र है वो त्वचा से, बाल से, नाखून से, श्वेत ग्रंथियों से और तेल ग्रंथियों से मिलकर बना होता है, ठीक है। त्वचा ताप नियंत्रण का काम भी करती है, ज्ञानेंद्रियों का काम भी करती है और देह भित्ति भी बनाती है, अपने पूरे शरीर को ढके रहती है, ठीक है। अब देखिए इसमें अब अपन बात करेंगे त्वचा की। त्वचा में, त्वचा की दो परतें होती हैं। त्वचा की कितनी परतें होती है? दो परतें। पहली परत है अधिचर्म और दूसरी परत है चर्म। याद रहेगा ना, पहली परत क्या है? अधिचर्म है और दूसरी क्या है? चरम चर्म है। अधिचर्म ऊपर वाली होती है और चरम अंदर वाली होती है, यानी इस त्वचा के नीचे जो खाल है वो क्या होती है? चरम होती है। फिर उसके नीचे जो है फैट वगैरह, चर्बी वगैरह पाई जाती है। आप बकरी वगैरह काटते हो, पहले ऊपर बाल वाली त्वचा आती है, फिर उसके बाद में सही सी त्वचा आती है, फिर उसके बाद में चर्बी आती है, तो वो अलग अलग होती है, ठीक है। इसके दो भाग हो गए, अधिचर्म और चर्म, ठीक है ना। त्वचा की दो परतें होती है, पहला अधिचर्म और दूसरी चर्म, ठीक है। अब अपन बात करेंगे सबसे पहले अधिचर्म की। इसकी बात करेंगे, अधिचर्म की बात करेंगे, ठीक है। अधिचर्म अगर अपन देखें तो स्तरित उपकला होती है। स्तरित मतलब परतों की बनी होती है, ठीक है ना। स्तरित उपकला होती है यानी परतों से ये मिलकर बनी होती है। मैं आपको डायग्राम बना देता हूं जिससे आपके समझ में आ जाएगा। देखो ये अपनी त्वचा ऊपर की परत है ना, त्वचा के नीचे अपनी एक परत पाई जाती है इस तरह से, ठीक त्वचा के नीचे ये परत पाई जाती है अपनी। त्वचा के नीचे वाली परत को अपन कहते हैं स्ट्रेटम कॉर्नियम। स्ट्रेटम कॉर्नियम, स्ट्रेटम कॉर्नियम। इसके अलावा इसके अंदर फिर परत पाई जाती है इस तरह से, दूसरी परत जिसको अपन ने नाम दिया स्ट्रेटम ल्यूसिडम। स्ट्रेटम ल्यूसिडम, ठीक है ना, स्ट्रेटम ल्यूसिडम। ये परतें हैं, मतलब स्तर है ये, ठीक है। फिर उसके बाद में जो परत आती है इस तरह से, उसका नाम है स्ट्रेटम, स्ट्रेटम ग्रेन्यूलोसम। स्ट्रेटम
ग्रेन्यूलोसम। उसके बाद में जो परत आती है उसका नाम है स्ट्रेटम स्पाइनोसम। इस तरह से एक परत स्ट्रेटम स्पाइनोसम, ठीक है, स्ट्रेटम स्पाइनोसम। इसके बाद में परत आती है स्ट्रेटम मेलबीजी, इस तरह से, इस तरह से ये परत स्ट्रेटम मेलबीजी, ठीक है ना, स्ट्रेटम मेलबीजी। ये परतें पाई जाती है, पांच परतें आपको दिखाई दे रही है, ठीक है ना, अधिचरम में यही परतें पाई जाती है, ठीक है ना, अधिचरम में ये कि ये परतें पाई जाती है। ओके, तो अधिचरम की परत आपने देख ली। उसके बाद में मैं इसमें एक बाल बना देता हूँ, देखो बाल किस तरह से होता है। तरह से बाल होता है इसमें, ये बाल हो गया, इसको अपन कहते हैं रोम कांड, ठीक है, रोम कांड। इसको अपन कहते हैं हेयर पेपिला, हेयर यानी बाल, पेपिला, हेयर पेपिला। इसमें यहाँ पे एक ग्रंथि पाई जाती है, ये ग्रंथि सीबेसियस ग्रंथि, सीबेसियस ग्रंथि। और इसमें यहाँ पर चिकनी पेशी, चिकनी पेशी, और यहाँ पर एक एक तेल ग्रंथि भी पाई जाती है, तेल ग्रंथि, या अपन स्वेद ग्रंथि भी कहते हैं इसको, स्वेद यानी पसीना ग्रंथि, है ना, स्वेद ग्रंथि, स्वेद ग्रंथि पाई जाती है। इसके अलावा इसमें इस तरह से तंत्रिका तंतु पाए जाते हैं, तंत्रिका तंतु पाए जाते हैं। ये बनाओ, चित्र बनाओ आप।
हो गया। चलिए ये उतार लेते हैं। बाजार में यार क्या हो, हो गया इतना करोगे क्या? और पढ़ा दूंगा। चलो ठीक है। देखिए सबसे पहला जो स्तर है अपन ने वहां पे बनाया था, जो सबसे पहली परत है अंदर से, अंदर से त्वचा की, भीतर से बाहर की ओर परत, ठीक है ना। सबसे पहले अपनी आती है, हिंदी में लिखवा देता हूँ, ये स्टेटम, स्टेटम आपको समझ में नहीं आया होगा, अंकुरण स्तर। पहला है अंकुरण स्तर, ठीक है। अंकुरण स्तर को अपन ने नाम दिया था इसमें स्टेटम मेल पीगी, स्टेटम मेल पीगी। अंकुरण स्तर का क्या नाम दिया था अपन ने? स्टेटम मेल पीगी, ठीक है। तो इसमें देखो ये अंकुरण स्तर पर है ना, जगह जगह उभार पाए जाते हैं, इस तरह से उभार, इस तरह से उभार पाए जाते हैं त्वचा के अंदर। उन उभारों को कहते हैं अपन रेटे पेगस, ठीक है ना। इसमें अनेक उभार पाए जाते हैं
जिन्हें रेटे पेगस, रेटे पेगस कहते हैं, ठीक है ना। इनके अंदर अनेक उभार पाए जाते हैं, उनको अपन क्या कहते हैं, रेटे पेगस। वो अपन ने बनाई थी ना, उसमें जो स्ट्रेटम एलपीजी, आप चित्र में देख लो, स्ट्रेटम एलपीजी में इस तरह से उभार से पाए जाते हैं, उनको अपन क्या कहते हैं, रेटे पेगस कहते हैं, ठीक है। और ये जो है अंकुरण स्तर जो होता है, ये पोषण कहाँ से लेगा, चर्म से, अपनी जो चर्म है उससे, नीचे वाली उससे ये पोषण लेगा, है ना, चर्म से पोषण लेता है, ठीक है ना। ये स्तर कहाँ से लेगा, चर्म से पोषण लेगा, ठीक है। और इसके बाद में देखो, इसमें विभाजन होता रहता है, इसमें क्या होता रहता है, विभाजन होता रहता है, इसमें विभाजन होता रहता है, जिससे नई सेल्स या परतें बनती है, ठीक है, जिससे सेल्स या नई परतें बनती हैं। इसमें वर्णक कोशिकाएं होती है, क्या होती है इसमें, वर्णक कोशिकाएं, रंगीन कोशिकाएं, जिससे आपका त्वचा का रंग गोरा या काला दिखाई देता है, ठीक है ना। वर्णक कोशिकाएं होती है जिसमें मेलेनिन नामक वर्णक होता है, मेलेनिन नामक वर्णक होता है, जितना कम मेलेनिन होगा व्यक्ति उतना ही गोरा होगा। व्यक्ति उतना ही क्या हुआ, गोरा होगा। सेल्स, CELLS, ठीक है।
ठीक है, बंद कर।